रसद विभाग ने सोमवार को ग्रामीण क्षेत्र में दिहाड़ी मजदूरों और जरूरतमंद लोगों को राशन सामग्री के फूड पैकेट भेजे गए। महकमे ने भामाशाहों और समाज सेवी संस्थाओं से आग्रह किया है कि वे जरूरतमंद लोगों को और दिहाड़ी मजदूरों को भोजन उपलब्ध कराने में आगे आकर सहयोग दें, मगर वितरण का तरीका यह हो कि संक्रमण नहीं फैले। सोमवार को डीएसओ अंकित पचार ने बताया कि रसद विभाग द्वारा केकड़ी, पीसागन, मसूदा, बिनाय, सिलोरा के ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंदों को चिन्हित कर उपखंड अधिकारी के माध्यम से ऐसे लोगों को रसद सामग्री बांटी जाएगी, जिसमें आटा, दाल, चावल, तेल, मसाले, नमक आदि सामग्री होगी। आज सभी उपखंड वार हमारे पास गाड़ियां आई हैं, उनमें हम यहां से जिला प्रशासन की तरफ से उनको सूखी राहत सामग्री, सूखी किट वितरण कर रहे हैं। उसमें अभी तक पीसांगन, भिनाए, मसूदा की गाड़ियां लोड हो चुकी हैं। केकड़ी, ब्यावर और सिलोरा और इस क्षेत्र की गाड़ियां लोड हो रही हैं अभी। और सभी उपखंड वार बाकी उपखंड अधिकारियों ने जो जरूरतमंद ऐसा है लोग थे जिनको चिन्हित किया, तो उनको ये राहत सामग्री बांटी जानी है। उपखंड अधिकारी अपने स्तर पर इनका वितरण करेंगे। नहीं, उन्होंने फिर अपने सभी एसडीएम महोदयों ने अपने लोकल स्तर पे भी भामाशाहों की मदद से और अन्य स्तरों से उन्होंने भी राहत सामग्री वहाँ पे इकट्ठी की है। ये हमारी तरफ से यहाँ से उनको दी जा रही है। क्या क्या पूरे किट में क्या क्या उसमें आटा है, दाल है, तेल है, नमक है।